माई YouTube चैनल क्रेडिबल इंडिया और मैं हूँ नफीसा खान और मैं आ गई हूँ एक नई लोकेशन नई जगह पे। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और मैं कहाँ पे आई हूँ आप गेस कर सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कहाँ पे आई हूँ, बाकी और भी सारी बातें हम करेंगे अंदर जाके और अंदर आपको दिखाऊंगी कि क्या चीज़ मैं देखने आई हूँ। कुछ ये जगह जो है अभी न्यू ओपन आई है, तो चलिए मैं बता ही देती हूँ मैं आई हूँ भारत दर्शन पार्क जो कि अभी हाल फिलहाल में ओपन हुआ है और काफ़ी क्रेज चल रहा है। तो अगर आप भी न्यू ईयर की खुशियाँ मनाना चाहते हैं और कुछ न्यू ईयर के बाद अच्छा सा कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस जगह को ज़रूर देखें। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको कितना क्राउड हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है। तो पहले ले लेते हैं टिकट, यहाँ पर है टिकट काउंटर पीछे और टिकट कितने का है कितने का नहीं सारी डिटेल बताने वाले हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार धमाकेदार वीडियो होने वाली है। तो पहले टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिकट मिलता है और काफ़ी भीड़ हो रही है इस वक्त तो, और आगे है टिकट काउंटर और काफ़ी ये सब चीज़ें जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और प्राइस क्या क्या है टिकट का वो भी सारा बताने वाली हूँ। लेकिन तो गाइस यहाँ से इसकी एंट्री और आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ भारत दर्शन पार्क और यहाँ से इसकी एंट्री टिकट मैंने ले लिया है। और तो गाइस एंट्री हमने कर ली है और मैं आपको टिकट के बारे में और यहाँ की कुछ डिटेल्स बता देती हूँ कि अगर आप सैटरडे या संडे में यहाँ पर आते हैं तो टिकट आपको 150 की एडल्ट की है और 75 की बच्चों की है, और नॉर्मल डे में आते हैं यानी कि और हाँ मंडे को ये क्लोज रहता है एंड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अगर आप आते हैं तो 100 रुपीज़ की टिकट है और बच्चों की 50 रुपीज़ की है। और यहाँ पे आप अंदर कुछ भी खाने का लेके नहीं आ सकते, बाहर या कुछ भी खा सकते हैं लेकिन अंदर यहाँ पे कुछ भी खाना अलाउड नहीं है। तो बाकी चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ के जो भी उन्होंने मॉन्यूमेंट बना रखे हैं वही मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे 21 टाइप के भारत के मॉन्यूमेंट है, ये वेस्ट ऑफ वंडर की तरह है लेकिन वेस्ट ऑफ वंडर में ऑल ओवर दुनिया की सारी अजूबे जो हैं वो वहाँ पर बने, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली इंडिया की जो मॉन्यूमेंट है वो यहाँ पे बनाए गए हैं, वो उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ दिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं पहले यहाँ पे जो फर्स्ट मॉन्यूमेंट क्या बना हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज़ यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट मॉन्यूमेंट जो बनाया हुआ है वो गेट ऑफ इंडिया है, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है और पास से जाके दिखाती हूँ आपको। अब देख सकते हैं गाइज़ ये गेट ऑफ इंडिया बना हुआ है मुंबई, यानी कि मुंबई का सबसे पहला मॉन्यूमेंट, और इसके अंदर से निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। अगर मुंबई नहीं गई अभी तो चलो गेट ऑफ इंडिया ही घूम लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाओ क्या बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत ही ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा धमाकेदार मज़ेदार होने वाली है। एंड इसके सामने ही कुछ बना हुआ है लेकिन वहीं पर जाके मैं आपको बताती हूँ। अब ये है सेकंड नंबर का मॉन्यूमेंट जो इन्होंने बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ फ्लावर्स वगैरह भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो अब आ गए हम सेकेंड मॉन्यूमेंट में और ये जो है ये एक पेड़ बना हुआ है गाइज, और मैं दिखाती हूँ ये कौन सा पेड़ है, ये दिव्य वृक्ष है और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप इसके बारे में पूरी डिटेलिंग में और किस तरह से किस चीज़ से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर्स ये जो है जो इस पर यूज़ हुए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर इस पर जो यूज़ हुए हुए हैं वो गैस सिलेंडर्स का काम हुआ हुआ है, ये जो बना हुआ है जो हम लोग गैस में यूज़ करते हैं उन्हीं से ये बना हुआ है। और चारों तरफ इसके फ्लावर्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। तो गाइस चलते हैं अपने थर्ड मॉन्यूमेंट जो कि थर्ड मॉन्यूमेंट बना हुआ है, और थर्ड मॉन्यूमेंट वाओ यार देख के दिल खुश हो रहा है सच में, बहुत ज़बरदस्त और बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है ये, और बहुत अच्छा प्लेस भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ कि थर्ड मॉन्यूमेंट में मैं कहाँ पर आई हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं थर्ड मॉन्यूमेंट जो है हवा महल बना हुआ है, वाओ। तो जैसे कि सभी जानते हैं जयपुर में है हवा महल, और अभी तक हम लोग आउट ऑफ दिल्ली के बाहर में अभी वीडियो बनाने इजाज़त नहीं गई हूँ। गाइज ये देश का सबसे बड़ा गुम्बद है, गोल गुम्बद,
और अब दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसा दिखता है। बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है सिटिंग एरिया, अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो यहाँ पे बना हुआ है कुछ सिटिंग एरिया और यहाँ पे बैठ के आप आराम कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत बना हुआ है। बना हुआ है प्राचीन काल का विश्वविद्यालय नालंदा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने और वाकई में। और ये जो सारी चीज़ें हैं सब कबाड़े की चीज़ों से ही बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जो लोहा कबाड़ा जो भी था उसे किस तरह से यूज़ किया है बनाने में, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। लोकेशन पे कि नेक्स्ट उन्होंने जो मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है वो क्या बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो गाइस नेक्स्ट जो बनाया हुआ है वो एक मंदिर बनाया हुआ है और ये मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा मंदिर। तो ये है मीनाक्षी मंदिर, काफ़ी फेमस मंदिर, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा गाइस। और मैं दिखाती हूँ कि कितना ऊँचा और कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। मॉन्यूमेंट पे अपने हमारा नेक्स्ट है और नेक्स्ट में क्या बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं वो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ। और गाइस ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और इसे देख के आपको सारी डिटेल पता चलेगी कि कितने का टिकट है, कितने का नहीं है, क्या है क्या नहीं, सारी बातें मैं इसमें पूरा खुल के बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो टिकट से रिलेटेड। एंड कैसे आना है वो भी मैं बताने वाली हूँ, उसके बारे में भी सारी डिटेल हम बताने वाले हैं। और बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो होने वाली है। धमाकेदार प्लेस है तो ऑब्वियसली धमाकेदार वीडियो होनी ही चाहिए। तो गाइस ये बना हुआ है बद्रीनाथ मंदिर, चार धामों की यात्रा में से एक मंदिर यही कहलाता है बद्रीनाथ मंदिर। और इसके आगे नेक्स्ट क्या बना है वो भी दिखाती हूँ। और गाइस ये नेक्स्ट जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट मॉन्यूमेंट जो है ये द्वारकानाथ मंदिर है, आप देख सकते हैं। और गाइस ये क्या बना हुआ है इसे देखते हैं, यहाँ पे कैंडल्स वगैरह भी लगी हुई हैं। क्या है ये पता नहीं, मैं इसका नाम तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मैं इसका नाम बताती हूँ ये क्या है। गाइस ये बना हुआ है रामेश्वर मंदिर और ये नेक्स्ट हमारा मॉन्यूमेंट है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। एंड आगे भी इससे एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो मैं दिखाती हूँ वो क्या है। गाइस अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मॉन्यूमेंट पे कि वो क्या बनी हुई है, क्या दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट जो हमारी मॉन्यूमेंट होने वाली है उसके बारे में हम क्या पता करने वाले हैं। एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं, आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है हमारी, वाह यार बहुत अच्छी जगह है। तो गाइस देख सकते हैं आप हमारी जो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है ये है महावत पैलेस और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और दूर से देख के मुझे कोई मकबरा सा नज़र आ रहा था
कि कोई किला है, ऐसा लग रहा था जैसे खिलजी वगैरह का कोई कुछ किला बनाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और अगर इसके बारे में जो भी जानना है आपको वो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अपनी नेक्स्ट मॉन्यूमेंट पे, और नेक्स्ट मॉन्यूमेंट हमारा क्या है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड देख सकते हैं क्या बड़ा अजीब सा लगता है कि कैमरा आज तो पता नहीं क्यों मेरा कैमरा बहुत फोकस भी नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ एक हमारी नेक्स्ट मॉन्यूमेंट जो है हमारा वो क्या है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है ये जो बौद्ध स्मारक जो बौद्ध थे हमारे, गाइज आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मॉन्यूमेंट बनाए हुए हैं। आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और ये देखने चाहिए। हमारी इंडिया के ये जो 21 मॉन्यूमेंट इन्होंने बनाए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट मॉन्यूमेंट पे कि नेक्स्ट हमारा क्या बना हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ का इनका सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पे आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और फिर अपने जो हमारे मॉन्यूमेंट हैं उन्हें इंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉन्यूमेंट पे और ये क्या बना हुआ है। और गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है लेकिन काफ़ी मज़ेदार और बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नेक्स्ट मॉन्यूमेंट क्या है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है वो है विक्टोरिया पैलेस, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पैलेस बना हुआ है। एंड ये जब इसमें इतना खूबसूरत लग रहा है तो रियल में ये कितना खूबसूरत होगा। हमारा जो है हम्पी रथ है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है ये, और ये जो बेल है ये भी उन्होंने यहाँ पे देखो बनाए हुए हैं, किस तरह से सब चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई हैं। एंड रथ के पहिए भी बाकायदा इतने खूबसूरती तरीके से बनाए हुए हैं, और मैं दिखाती हूँ ऊपर से आपको। अरे रुक जा बेटा। इन्होंने ना मतलब सारी जो भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट बने हुए हैं उनके बारे में वहाँ लिखा हुआ है, तो अगर जैसे कि आप जानते नहीं हैं उसके बारे में तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। एंड किन चीज़ों से उसे बनाया गया है ये भी यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और बहुत वाकई में बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। गाइज जो हमारा नेक्स्ट मॉन्यूमेंट होने वाला है वो तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और उसे हम कह सकते हैं मोहब्बत की निशानी, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है वो है ताजमहल। तो ताजमहल वैसे वंडर में भी बना हुआ है लेकिन यहाँ जैसा ताजमहल इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ वो अभी तक मैंने नहीं देखा। तो हमारी मोहब्बत की निशानी यानी कि ताजमहल यहाँ पर बना हुआ है, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ ताजमहल।
गाइस ये बना हुआ है मैसूर पैलेस और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। और अगर ये यहाँ पे इस जो लोहे की चीज़ों से जो बेकार चीज़ों से बनाया गया है तब ये इतना खूबसूरत लग रहा है। सोचिए रियल में मैसूर पैलेस कितना खूबसूरत होगा। मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि एक बार मैं इसे रियल में ज़रूर देखूं और आप लोगों का प्यार रहा तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ पे ज़रूर जाऊंगी। अब हम बाहर के ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करेंगे तो गाइस जल्दी जल्दी से बहुत सारा प्यार करिए, मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक करिए एंड ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह बना सकूँ बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस पे जाके। जो हमारा नेक्स्ट मैन्यूमेंट है वो अब हम दिखाने वाले हैं कि वो क्या है। तो जी हाँ वो है हैदराबाद की चार मीनार और मैं दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट मोन्यूमेंट हमारा। तो गाइज ये है हैदराबाद की चार मीनार, आप देख सकते हैं कि ये बनी हुई है हमारी चार मीनार और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इधर 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 फिर आपकी क्लिप्स डालूंगी है ना। ये देखिए यहाँ पे घूमने आए बच्चे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत फैमिली। ये है हमारा सूर्य मंदिर जिसे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। और वाकई में सच में यहाँ की जो चीज़ें जो भी हमारे मॉन्यूमेंट बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं। गाइस ये है अजंता जो कि अजंता और एलोरा और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है ये भी। लास्ट मॉन्यूमेंट और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ भी है सारा। बाकी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और गाइस इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है खजुराहो मंदिर। तो यहाँ इसके बारे में और किस किस चीज़ से ये बनाया है वो भी सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, तो यहाँ से इसके बारे में पढ़ लेना। तो फाइनली गाइज मैंने आपको ये भारत दर्शन जो पार्क था ये दिखा दिया है। अभी तक न्यू ईयर पे सारे पार्क बंद हैं लेकिन एक यही पार्क है जो ओपन है एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था 21 तरह के जो मॉन्यूमेंट है वो यहाँ पे बने हुए हैं इंडिया के। और इसी तरह से है वेस्ट ऑफ वंडर और उसकी वीडियो भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी तो आप एक बार वॉच कर लीजिएगा एंड आपको ये वीडियो भी आप देखिएगा। एंड यहाँ पे जो टिकट है उसका प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है और बहुत खूबसूरत बहुत उम्दा तरीके से यहाँ पे मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा काम करा गया है। तो एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और ज़रूर आने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाए ताकि आपको आगे आकर परेशानी ना हो। तो बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।